थैंक यू अनिल जी. सबसे पहले आप सबका स्वागत है यहाँ पर. एंड हमारे बीच मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री गोपाल शेट्टी जी हैं, उनका भी स्वागत है. बहुत अच्छा लगा सर आपसे आपके पर आपका जो विचार है वाटर रिसोर्सेज के बारे में उनको सुन के. हमें सात्या जी को भी हम अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने CEW को यहाँ पर नॉलेज एज अ नॉलेज पार्टनर इन्वाइट किया है. इससे पहले कि हम इस सेशन में आगे जाएं, दिस सेशन इज ऑन वाटर सिक्योरिटी अंडर क्लाइमेट चेंज. वी विल लाइक टू प्रेजेंट अवर लेटेस्ट पब्लिकेशन टू गोपाल शेट्टी जी. सर, ये पब्लिकेशन आपने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की बात करी, तो हमने अभी एक अध्ययन किया है जिसमें कि हमने ये जानने की कोशिश करी है कि हाउ दिस ट्रीटेड वेस्ट वाटर कैन बी रीयूज्ड. तो उसके ऊपर हमने कुछ अपने नंबर्स और इकोनॉमिक्स निकाली है और ये पैन इंडिया लेवल स्टडी है एंड वी वुड लाइक टू प्रेजेंट दैट. सो इफ यू परमिट आई विल कम एंड गिव द बुक टू यू. मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कन्नन जी से और हमारे फिनलैंड के जो डिप्लोमेट आए हैं उनको स्टेज पे आमंत्रित करूँगा. आई विल इनवाइट द फिनलैंड डिप्लोमेट टू कम ऑन द स्टेज. कन्नन सर, आप प्लीज आइए. जो कि हमारी आज की जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं उसको थोड़ी हाईलाइट करती है थोड़ी फनी वे में. तो हम ये बैग भी आपको प्रेजेंट करना चाहेंगे. सो प्लीज. थोड़ा क्लाइमेट रिलेटेड अगर हम बात करें तो अभी आप देखेंगे कि पिछले कुछ वर्षों में क्या हो रहा है कि ज्यादातर जो क्लाइमेट एक्सट्रीम्स या क्लाइमेट जो इवेंट हो रहे हैं वो वाटर रिलेटेड है और इनकी जो संख्या है वो भारत या एशियन कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा है.
तो अगर ये थोड़े से स्टार्ट आप देखें जहाँ पर एशिया लिखा हुआ है राइट हैंड साइड कॉर्नर में, तो वहाँ आप देखेंगे कि कुछ 2000 प्लस ऐसे इवेंट हुए हैं इन 18 सालों के अंदर, और इसके अंदर जो हमें हानि हुई है इन टर्म्स ऑफ लॉस ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डैमेज, वो भी वर्ल्ड ओवर में सबसे ज्यादा हुई है एशियन सब कॉन्टिनेंट। ये हमारा एक स्टडी है जो कि ये दिखाता है कि अगर हम सिर्फ हाइड्रोमेट डिजास्टर की बात करें जिसके अंदर की फ्लड्स, ड्राउट्स एंड साइक्लोन्स सभी इंक्लूड, सो इन इंडिया ऑलमोस्ट 75% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स दे आर वल्नरेबल टू क्लाइमेट एक्सट्रीम। 75% से ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर या तो कहीं सूखा होता है, यहाँ पे फ्लड आता है, या वहां साइक्लोन आ सकता है। तो इस तरह की 75% डिस्ट्रिक्ट है। और जो राइट हैंड साइड पे आप मैप देख रहे हैं वो ये दर्शा रहा है कि अभी ऑफ लेट ये भी हो रहा है कि जहां पहले बाढ़ आती थी अभी वहां सूखा होने लग गया है, और जहां सूखा ज्यादा रहता था वहां बाढ़ आने लग गई है। तो अभी इस साल की अगर मैं बात करूं जो पिछले साल का मॉनसून था, सो इफ वी लुक एट उत्तर प्रदेश व्हिच इज टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, वहां पर रेनफॉल इज लेस देन जो नॉर्मल रेनफॉल है उसकी 40% लेस हुई है, वेयर इज इन राजस्थान वो 40% इंक्रीज हो गई है। तो इसको हम स्वैपिंग ट्रेंड बोलते हैं कि जो ये आजकल हमें देखने में आ रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये जो ऑल्टरेशन हो रही है तो ये काफी कुछ क्लाइमेट ड्रिवन भी है, इट इज आल्सो ड्रिवन बाय द चेंजेस दैट क्लाइमेट इज एक्सपीरियंसिंग। सो व्हाट वी हैव सीन कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो है वाटर रिसोर्सेज के ऊपर आ रहा है, एंड इफ यू लुक एट यू नो थ्री मेन थिंग्स कि क्या एक्चुअली हो रहा है। So what we see is कि जो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बारे में आप सब लोग जानते हैं, तो यहाँ क्या होने वाला है कि आगे आने वाले टाइम में, अभी भी ये हो रहा है कि फ्लडिंग जो है वो और बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ द चेंजेस टू द क्लाइमेट, नॉट जस्ट चेंजेस टू द क्लाइमेट। और जो हमारा पैडी प्रोडक्शन या मक्का है उसमें थोड़ा रिडक्शन आ जाएगा, और इसी तरह जो हमारे अर्बन एरियाज हैं वहाँ थोड़ा ड्राई लैंड ज्यादा, अभी आप दिल्ली में ही देखिए कि दिल्ली इज बिकमिंग मोर ऑफ अ सेमी एरिड एंड एरिड। तो किसी टाइम में दिल्ली में बारिश अच्छा होता था, थोड़ा प्लांटेशन उस तरह के थे, लेकिन अभी हाल ही में क्या है कि दिल्ली का रेनफॉल भी कम हो गया है या बड़ा वेरिएबल हो गया है। मतलब अगर मानिए कि जो पहले बारिश हमें 10 या 15 दिन में मिलती थी, अभी वो 5 दिन के अंदर ही मिल जाती है। तो दिल्ली का जो रेनफॉल पैटर्न है वो भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो इसी तरह से और सब अर्बन एरियाज में भी ये चेंजेस आते जा रहे हैं। अगर हम अपनी नदियों की बात करें तो एक नंबर लेते हैं, दैट नंबर इज 1700 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर। तो अगर उस नंबर से कम किसी भी रिवर में पानी है या किसी भी रिवर बेसिन में पानी है तो उसको हम वाटर स्ट्रेस कंडीशन बोलते हैं। तो अगर हम अपनी सारी नदियों को देखें तो आप ऊपर की चार नदियों को छोड़कर आप देखेंगे कि सभी में वो पानी की मात्रा जो है वो कम होती जा रही है इन रिलेशन टू द पॉपुलेशन। तो उसको हम वाटर स्ट्रेस कंडीशन बोलते हैं। अब इस कंडीशन की वजह से अभी भारतवर्ष में क्या चल रहा है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो दो तरह की फोकस है, अभी गोपाल शेट्टी जी ने भी इनके बारे में डिस्कशन किया। एक, वी कैन डू वाटर ऑगमेंटेशन। सो व्हेन वी यू नो टॉक अबाउट वाटर सप्लाई ऑगमेंटेशन, तो उसमें जो इंटरवेंशन है कि रिजर्वर बनाए जाते हैं, डैम बनाया जाता है, चेक डैम बनाए जाते हैं, या जो ट्रीटेड जो वेस्ट वाटर को हम ट्रीट करके भी सप्लाई करते हैं। कई सारे शहरों में द ट्रीटेड वेस्ट वाटर इज बीइंग रीयूज्ड फॉर इरिगेशन, और हमारा जो ये रिपोर्ट अभी हमने दिया है ये उसी के बारे में है, इट टॉक्स अबाउट इट इन डिटेल। और उसी तरह से वाटर डिमांड मैनेजमेंट भी है, जहाँ की जो हमारे किसान भाई यहाँ बैठे हैं उन्हें पता होगा कि ड्रिप और स्प्रिंकलर काफी पैमाने में अडॉप्ट किए जा रहे हैं बहुत सारे एरियाज में। देयर आर स्पेसिफिक स्कीम, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जिसके अंतर्गत ये सब प्रोग्राम हो रहे हैं। सो द फोकस इज बोथ, जहाँ पर ऑगमेंट करने की जरूरत है वहाँ पर पानी को ऑगमेंट या बढ़ाया जा रहा है, जहाँ पर डिमांड मैनेजमेंट की जरूरत है वहाँ पर डिमांड मैनेजमेंट किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो हमारे प्रोग्राम है वो सब इन्हीं विषयों पर आधारित है, तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अब ये जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की हमने बात करी, यहाँ पर हमने एक रिपोर्ट आपसे शेयर किया है। सो मेरे कलीग हैं उनके पास थोड़े और रिपोर्ट होंगे या पोस्ट कार्ड होंगे, आप हमारी वेबसाइट पे जाके इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक और जो संबंधित हमारा इशू ये है कि काफी जगह पर बिकॉज हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री सप्लाई करते हैं तो उससे क्या है कि ग्राउंड वाटर भी ज्यादा यूज होता है, तो कैसे हम ड्रिप और स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करके वो ग्राउंड वाटर यूसेज को वी कैन मेक मच मोर सस्टेनेबल, एट द सेम टाइम किसान भाइयों को उसका कुछ इम्पैक्ट ना आए,
तो उसके विषय में भी हम थोड़ा अध्ययन करते हैं। इसके लिए हमने पंजाब गवर्नमेंट के साथ एमओयू किया हुआ है और हम राजस्थान में भी काम कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। वाटर अकाउंटिंग क्या है कि अगर आपको पता नहीं होगा कि कितना पानी सप्लाई हो रहा है, कितना यूज हो रहा है, कितना सिस्टम में वापस आ रहा है, तो उसका जो मैनेजमेंट है वो भी आप अच्छे से नहीं कर सकते। तो ये एक और काम है जो कि हम वाटर अकाउंटिंग के ऊपर कर रहे हैं। और अगर आप वो आखिरी का मैप देखेंगे वो हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज बताता है कि कितना पानी यूटिलाइज हो रहा है और कितना पानी बच गया है, जो कि हम आगे और डेवलप कर सकते हैं। तो ये भी एक एरिया है जिस पर हम फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज। और एक इम्पॉर्टेंट जो हम काम कर रहे हैं, अगर मैं क्लाइमेट की बात करूँ, क्लाइमेट चेंज की बात करूँ, तो हम कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कर रहे हैं। जो स्टेट्स के साथ काम करके वी आर ट्राइंग टू बिल्ड देयर कैपेसिटीज कि वो क्लाइमेट एक्शन को लेकर तैयार है। अब क्लाइमेट एक्शन से क्या मतलब है? क्लाइमेट मिटिगेट करना, जो ग्रीन हाउस गैस का मिशन है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं अपनी वेरियस इंटरवेंशन के साथ। अडाप्ट करना, अगर किसी जगह पर फ्लड हो रहा है, ड्राउट हो रहा है, तो कैसे अडाप्ट किया जाए, कैसे ये इंश्योर किया जाए कि जो ड्राउट के इम्पैक्ट हैं वो एडवर्स ना हो फार्मर्स के ऊपर, किस तरह की इंटरवेंशन वहाँ पर की जाए। और क्लाइमेट रेजिलियंस, और अगर हम अडाप्टेशन करते हैं तो हम कम्युनिटी को एक रेजिलियंस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उन्हें उनका जो कैपेसिटी इसमें भी डेवलप कर रहे हैं कि वो चाहे आगे आने वाले वर्षों में चाहे सूखा है चाहे बाढ़ आए वो उसको कोप कर पाएंगे। इसके साथ ही मैं अब अपना प्रेजेंटेशन यहाँ खत्म करता हूँ। आई होप कि आपको और क्वेरीज या विचार होंगे, वी विल बी हैप्पी टू हियर देम, वी आर हियर ओनली। आप हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल ले सकते हैं एंड वी विल बी हैप्पी टू एड्रेस योर क्वेरीज। सो थैंक यू सो मच विद दिस अभी हम स्ट्रेट नेक्स्ट पैनल में जाते हैं। आई विल बी इनवाइटिंग द स्पीकर्स, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ आए। और ओके शुक्रिया। और मैं नाम बता रही हूँ, हम जिनको रिक्वेस्ट करेंगे पैनल में स्पीकर्स के तौर पे, श्री विश्व कनन जी, डायरेक्टर जल जीवन मिशन, श्री लक्ष्मण सिंह जी, पद्मश्री, आप प्लीज स्टेज पर आते रहिए, डॉक्टर रविंद्र सिंगल जी, आईपीएस एडीजी मुंबई, श्री संदीप सांकुले जी, आईआरएस डायरेक्टर इंटेलिजेंस एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, श्री रविंद्र कुमार मंडेर जी, आईएएस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रामपुर, श्री गजेंद्र सिंह जी, सीईओ जिला पंचायत सिंगरौली, आप लोग प्लीज स्टेज पर आ जाइए, मिस अरुणा एम विश्वेश्वर जी, प्रिंसिपल अध्यापन स्कूल सीबीएसई मदुरई, कर्नल शशिकांत दलवी जी, डायरेक्टर रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंसल्टेंसी के, मिस्टर मनुभाई चौधरी जी, सीईओ विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात, जैसे आपने देखा कि ये सेशन जो है क्लाइमेट चेंज एंड वाटर सिक्योरिटी के ऊपर है और अभी हमने एक प्रेजेंटेशन भी दिया, तो इसी के अंदर जो आप अपने अपने एरिया में जो आप लोग काम कर रहे हैं, जो आप लोग वाटर संबंधित इंटरवेंशन कर रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि थोड़ा आप उनके बारे में यहाँ पर जो हमारे पार्टिसिपेंट्स से जन्म उनसे शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि किस तरह की चीज़ें ग्राउंड लेवल पे करी जा रही है। तो इस संबंध में मैं सबसे पहले इन्वाइट करना चाहूँगा श्री विश्वकर्ण जी को, जो डायरेक्टर जल जीवन मिशन है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक प्रोग्राम है जिसमें कि हम टैप कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं हाउस होल्ड्स में। सुकनंद जी, ओवर टू यू। नमस्कार एंड वेरी आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जैसा आप जानते हैं कि जल जीवन मिशन एक जन जन का मिशन बन चुका है, जन आंदोलन बन चुका है,
जैसा नितिन जी ने बोला, इसका उद्देश्य है कि हर एक ग्रामीण घर को नल से जल पहुंचाना है। जब जल पहुंचाने की बात करते हैं, वी टॉक अबाउट तीन चार चीज़ों का बात करते हैं। एक तो क्वालिटी की बात करते हैं, कम से कम 55 लीटर प्रति आदमी प्रतिदिन को देना है। नेक्स्ट इज क्वालिटी, जो पानी हम दे रहे हैं उसका अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, पोर्टेबल वाटर होना चाहिए। तीसरा एक जैसा इन्होंने जो क्लाइमेट चेंज और इसके बात कर रहे थे, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट, जब हम हर एक को नल से जल दे रहे हैं, शुड बी लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल, सबको उनको मिलना चाहिए, दैट इज सस्टेनेबिलिटी। सब चीज़ सस्टेनेबल सिस्टम, जो हम एक तो पानी सस्टेनेबल होना चाहिए, जो सभी मतलब बहुत दिनों तक उनको पानी मिलता है। नेक्स्ट दैट दिस सिस्टम्स इन प्लेस विच मेक दिस होल थिंग, बिकॉज आप जैसे जानते हैं कि इट्स एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट भारत सरकार की तरफ, लगभग दिस स्कीम ऑफ 3.6 लाख करोड़ इसको ये स्कीम है। सो दैट शुड बी ए सिस्टम ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ऑफ द फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए, दैट शुड बी एन इंस्टीट्यूशनल सस्टेनेबिलिटी, जहाँ पर वहाँ पर जैसा हम पानी समिति का बात करते हैं, वी टॉक अबाउट विलेज वाटर सैनिटेशन कमिटी, वो भी बनना चाहिए। दे शुड टेक ओवर दिस होल सिस्टम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग बन रहे हैं, जो टैंक बन रही है, सबको नल मिल रहा है, सो विलेज शुड टेक ओवर दिस एंड रन दिस सिस्टम, सो दैट इज सस्टेनेबिलिटी। एंड ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो टू से दैट, खासकर गाँव में क्या होता है, कहीं कहीं जिनके पास जिनका घर टंकी के पास आता है उसका अच्छा प्रेशर से पानी मिलता है, लेकिन उनका दूर दराज दूर रहते हैं उनके पानी इतना प्रेशर से नहीं मिल पाता है। सो वी से दैट इक्विटी शुड ऑल्सो बी टेकन केयर ऑफ, एवरी वन शुड गेट वाटर ऑफ एडिक्वेट क्वालिटी। सो दीज आर द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ दिस होल जल जीवन मिशन। आप जैसे जानते हैं कि सर ये मिशन शुरू हुआ था जब 15 अगस्त 2019 में जब भारत के प्रधानमंत्री ने इसको अनाउंस किया था, मात्र 3.25 करोड़ घरों में नल था। अभी नाउ इट हैज क्रॉस्ड 11.5 करोड़ से अधिक हो गया है, जो 16% अभी लगभग 60% हो गया है, 60% हो गया है। और उसके अलावा इसका जो टाइम लिमिट वॉज 2024, काम जोर शोर से चल रहा है। और इस साल भी भारत सरकार का जो अलॉटमेंट है अराउंड 70,000 करोड़, एंड आई थिंक इट इज स्कीम विच इज पिकिंग अप वेरी वेल एंड पीपल आर इंटरेस्टेड। And also we are trying to engage all the stakeholders. इसका जो है इसका मूल सिद्धांत यह है कि लोगों को हर स्टेज में इनको इन्वॉल्व करना है, सो दैट दे आर पार्ट ऑफ इट एंड दे ओन दिस होल सिस्टम स्कीम, बिकॉज दे आर दी अल्टीमेट यू नो पीपल टू हैव टू टेक इट ओवर रन इट फॉर लॉन्ग टाइम, इट इज़ फॉर देयर ओन बेनिफिट। सो जैसा हम हमेशा बोलते हैं जब बात करते हैं, दे टॉक अबाउट जल जमीन और जंगल, सो जल इज सो इम्पॉर्टेंट। Over a period of time, because it was started in 2019, now it's more than 2 years, and it has been doing great. People are getting benefited, and so it's again it's an important scheme. So I will not take much of your time. So I'm going back to the next panelist. Thank you, Kanhanji. I think you were short on time, so thank you so much. We now move to Shri Lakshman Singh, who is a Padma Shri awardee, to share his experiences. पांच परिवार में सभी मोदी जी भी और मेरे बहने मेरे भाई मेरे संस्कार कर मैं राजस्थान में जयपुर जिले के पास एक गांव है लाहौरिया, और जब लाहौरिया जाते हैं तो जो जो उसके नज़दीक जाएंगे पक्षी उड़ते हुए दिखेंगे, तालाब भरे हुए दिखेंगे, कुओं में पानी होगा और अच्छी खेती भी होगी। हम लोगों ने 40 वर्ष पहले तब कुओं में पानी नहीं था, कुओं के चारों तरफ लोग खड़े थे और नीचे से कुएं में उतर करके पानी निकाल रहे थे, तब मेरी 18 साल की उम्र, तब मेरे दिमाग में आया कि ये क्या स्थिति है ऐसी। हम तब उसी काम में लग गए थे, जब पूछा था तालाब टूटा था तो लोगों ने कहा कि जब ये तालाब ठीक होगा तब कुओं में पानी आएगा, तो हमने कहा अपन सब काम करें, तो लोगों ने कहा कि मजदूरी कौन देगा, तो थोड़ा धक्का लगा, हम गांव में रह करके मजदूर हैं, हम गाँव के मालिक, जो गाँव में रहता है गाँव का मालिक, देश में रहता है देश के मालिक, ऐसी भाव होना चाहिए। तो हमने हिम्मत करके कहा चलो हम चलते, तो सब लोग पूछा कहाँ जा रहे हैं, आज तालाब ठीक करने हैं, दो लोगों से क्या होगा, मैंने कहा तीन भी है, तीन कौन है, मैंने कहा तुम हो,
ऐसे करके हमारा कोरबा बना और हम उस तालाब को ठीक किया। उसके बाद तालाब पे तालाब बना था, हमने देव सागर बनाया, फूल सागर बनाया, अन्न सागर बनाया और गांव के नियम लगाए, अन्न सागर से सिंचाई करें, फूल सागर से फूल खिलाए। बोलेंगे फूल कैसे खिलेंगे, जब ग्राउंड वाटर ऊपर आएगा तो घास आएगी, पेड़ आएंगे, पौधे आएंगे, फूल खिलेंगे, हर चीज के फूल आते हैं। यानी कि देसी बबूल के भी फूल आता है, केंद्र के भी फूल आता है, घास के भी फूल आता है और फूलों को चूसने वाले जीव होते हैं। उसके बाद दाना आता है, तो चाहे चाहे गेहूँ क्यों ना हो, चाहे सरसों क्यों ना हो, उसके बाद दाना के बाद फिर जीव उसको खाते हैं। तो हमने ये तीनों तालाब बनाए, फिर तीन धाम नाड़ियाँ बनाई, फिर गोचर में चौका सिस्टम किया, जितनी बारिश कहाँ कहाँ कैसे गिरे, पानी पिलाने की जरूरत नहीं, गोचर में चौका सिस्टम है, अगर पानी आएगा तो घास और पेड़ अपने आप आएंगे, मॉइस्चर बढ़ता है उससे। और अगर हम खेती करेंगे तो उसके लिए तालाब जरूरी है, तालाब के पास कुआ जरूरी है, कुआ और तालाब का संबंध बहुत पुराना है और बहुत मजबूत है, इसलिए हम कुएं से खेती करने लगे, कुओं में पानी होने लगा, जुलाई अगस्त में हाथों से पानी पी सकते, हर कुएं से हाथों से पानी पी सकते हैं। और इसी वक्त मार्च में कभी कोई कुआ 10 फीट खाली है, कोई 15 फीट खाली है, कोई 30 फीट खाली है, कुएं सारी भरे हैं, पानी का लेवल हम ये देखकर के आए। तो एक गांव नहीं, हमने कम से कम 58 गांव कंप्लीट कर दिए और 40 गांव में काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा बजट खर्च हुआ, नहीं, हमने हर गांव में संगठन तब से बनाना चालू कर दिया था। और एक गांव में जब ये काम किया जाता है कि सब लोग मिलकर काम करेंगे, तो आज 58 गांव को निमंत्रण दिया जाता है, तो किसी गांव से 10 आदमी आते हैं, किसी से 20, किसी से 30, और जब उस गांव में काम होता है तो वो भी 58 गांव को निमंत्रण दिया जाता है और उस गाँव में लोग पहुँचते हैं और उस गाँव के बच्चे बूढ़े सारे लोग लगते हैं। तो हम 5 दिन में तालाब तैयार करते हैं। Thank you. So now we move to Dr. Ravindra Singhal, who's IPS ADG Mumbai. Thank you so much. My presence on stage little awkward, क्योंकि पुलिस अधिकारी किस तरह से इससे जुड़ सकता है। ये शुरुआत 2016 में हुई, जब मैं नासिक में कमिश्नर पुलिस करके जब मेरा पोस्टिंग हुआ, उससे पहले हमें नेशनल पुलिस एकेडमी में सिखाया गया था कि किस तरह से आपको पॉलिसी ऑफ इंक्लूसिवनेस करनी है, किस तरह से कम्युनिटी पुलिसिंग करनी है। तो इसमें हम लोग पब्लिक को साथ मिले के विभिन्न विभिन्न तरह की चीजें करते रहे, परंतु जब 2016 में ये इशू आया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक डायरेक्टिव दिए कि आप लोगों को 30 पुलिस कर्मचारी और 4 पुलिस अधिकारी पॉल्यूशन प्रिवेंट करने के लिए करना, और उसमें जो याचिकाकर्ता थे राजीव पंडित जो यहाँ पे अभी हाजिर हैं, तो ये शुरुआत वहां से हुई हमने कि पॉल्यूशन को किस तरह से रोका जाए। और उसके बाद में हमने नेक्स्ट स्टेप में कि हम यहां पे क्यों रुके, हमें इसके आगे जाके गणपति विसर्जन होता है या विभिन्न तरह की मूर्तियों का जो विसर्जन होता है या उससे जुड़े हुए बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हमने पब्लिक को उसमें इन्वॉल्व किया कि आप इसमें विसर्जन ना करते हुए मूर्ति को आप दान कीजिए। तो वो एक मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पे शुरू हुई। जब मैं वहां पे 2.5-3 साल के बाद में जब मैं निकला, तो लास्ट ईयर में लाखों मूर्तियां वहां पे लोगों ने दान की, तो जो मूर्तियां पानी में जाने वाली थी तो उससे पॉल्यूशन रोका। ये सक्सेस थी जो डायरेक्टिव्स हमारे हमें दिए गए और पुलिस ने किस तरह से उसमें इन्वॉल्व होकर काम किया। दूसरा विषय ये रहा, जब मैं मराठवाड़ा जो औरंगाबाद है जो जाना जाता है कि वहां पे पानी की बहुत कमी है और कई बार तो 15-15 दिन के बाद में लोगों को पीने का पानी मिलता है। मैं जब आईजी करके वहां पे गया तो बहुत सारे, जब मैं क्राइम मीटिंग लेता था तो उस टाइम पे बताया जाता
जाता था कि हमारे यहाँ पे इतना क्राइम होता है पानी से रिलेटेड, कभी टैंकर नहीं पहुंचा, टैंकर पहुंचा तो कुछ लोगों तक पहुंचा, पहुंचा तो उसके बाद में वहां पे पानी कुछ लोगों को मिला, तो ये सब चीजें वहां पे हो रही थी, तो वो दूसरी चीज थी। उसके बाद हमने, मैंने अपने चारों डिस्ट्रिक्ट के एसपी को बोला कि क्यों ना हम एक शुरुआत करें, तो हर एसपी ने एक एक विलेज अडॉप्ट किया और वो विलेज मेरी प्रेजेंटेशन है उसके बाद में, वो किस तरह से बदला वहां पे वो मैं उसमें दिखाऊंगा। तो पानी जहां नहीं था वहां पे किस तरह से पुलिस ने पब्लिक की सहायता से इंक्लूसिव पुलिसिंग के तहत, कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत हमने इन्वॉल्व किया लोगों को और कैसे दृश्य चेंज हुआ, ये दूसरी चीज थी। उसके बाद में एक दो वीडियो फिल्म बनी बदलाव, जिसमें हमने खुद डायरेक्ट किया कि हम जो पानी पीते हैं, अब यहाँ पे भी आप देखेंगे आपको बॉटल मिलेगी, उसमें से एक दो घूंट लेंगे उसके बाद में छोड़ देंगे, उस चीज को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा की। वो फिल्म है लगभग 56 सेकंड की, वो भी हम दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें बढ़ती गई और आज जो है हम उससे दूसरे लेवल पे, नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम और क्या कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का भाग नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट कटिंग एज लेवल पे, लोएस्ट लेवल पे काम कर सकता है, जिसमें हमारे अधिकारी कर्मचारी पब्लिक को इन्वॉल्व करते हैं, हम उनके पास में जाते हैं, क्योंकि पुलिस का जो डर है ना उसको भी हमें कम करने की जरूरत है, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें मिला के जो है हम लोग इससे आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। Policing is able to protect water resources, like people were previously doing the ideal immersion in the freshwater bodies, so how they have controlled it. And he also spoke about how they ensured that in a drought prone region of Maharashtra, which is Marathwada, they ensured that during summers how the water is supplied to the villages, either through the government tankers or ensuring that the local sources are identified and the water can be supplied to the village community. And he will be taking, I think he will be also sharing these presentations later in the day. So thank you so much. We now move to Shri Sandeep Sarunke ji, who is IRS, Director Intelligence and Criminal Investigation, Commissioner of Income Tax. Thank you. Hello. Thank you very much. पृथ्वी पर जो करोड़ों जीव जंतु हैं, उसमें से एक छोटा जीव है मानव। लेकिन मानव खुद को पृथ्वी का मालिक समझकर काफी सारी चीजों में गंदे हो जा रहा है। इसका कारण है कि हम अपने नेचर से एलिमिनेट हो। इसी तरीके का एक छोटा एलिमिनेशन जो मैंने देखा जब मैं यूपीएससी क्लियर हुआ 2004 में, तो मैं सोचने लगा तो आईएएस आईपीएस आईआरएस है जो भी कुछ ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज है उसमें सबसे ज़्यादा अधिकारी बनते हैं वो छोटे गांव से बनते हैं, लगभग 80% कम फ्रॉम रूरल विलेजेस इन इंडिया। हमने हमारे गांव में ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जो किसी न किसी गवर्नमेंट सर्विस में है या किसी ट्रेड में है, किसी तरीके से उन्होंने तरक्की की है और एक कंसेप्ट लॉन्च किया जिसको हमने एक एब्रिवेशन दिया रूट ROOT। रूट का नाम भी होता है जड़, रूट इट स्टैंड्स फॉर रिटर्न टू ओरिजिन एंड ऑर्गेनाइज्ड ट्रांसफॉर्मेशन। जिस गांव से हम पले पढ़े, जिस गांव ने हमें बड़ा किया, उस गांव की तरफ हम वापस जा रहे थे और कुछ कर रहे थे। हमने जब पहला कॉम्पिटेटिव एग्जाम ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया तो 4 वर्ष के अंदर हमारे छोटे गाँव में से जिसमें 3,000 पॉपुलेशन था लगभग 200 बच्चे अलग अलग से बेसिस पर, उन 200 को हमने इकट्ठा किया और हर एक ने एक फिक्स सम कॉन्ट्रीब्यूट करना, उसके साथ CSR इकट्ठा किया, उसके साथ डोनेशंस एंड गवर्नमेंट स्कीम्स। फर्स्ट वी स्टार्टेड ऑन वेरी स्मॉल बेसिस, वी ओनली 1.5 किलोमीटर ऑफ रिवर। उसके बाद हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया एंटायर रिवर की क्यूरेशन का, ऐसे रिवर जो लगभग 40-50 साल में किसने देखी नहीं थी बहते हुए। हम कहते हैं कि ये नदी लुप्त हो गई, वो नदी लुप्त हो गई, शायद वो लुप्त नहीं होती, हम उसको लुप्त करा देते हैं बिकॉज ऑफ आवर कंटिन्यूस निग्लिजेंस। ये लगभग 40-50 साल में किसी ने पहुंचे हुए देखे थे कि हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, 16 करोड़ का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया, भगवान के भरोसे थे हम इधर एक फंड कैसे मिलेगा। उसी दरमियान गवर्नमेंट ने रिवर रिजुवेनेशन स्कीम निकाला था, उसमें वी प्रपोज्ड इट
and we started working. And within within 2.5 years, हमने पूरा 25 किलोमीटर का वो नदी पूरी तरीके से रिजुनेट किया. मेरा प्रेजेंटेशन के आपको दिखाऊंगा कि वर्ल्ड बिलीव गांव वालों ने हम लोगों का बैलगाड़ी में से प्रोसेशन निकाला. कई सारे लोग थे जो बचपन में उन्होंने पानी देखा था कभी थोड़ा बहुत, और अब सीधा बूढ़ा हो गए थे तब वो पानी देख रहे थे. एंड यू वॉन्ट बिलीव, अपार्ट फ्रॉम दैट हमने तालाब नाले कई सारी चीजें रिजुनेट की. एंड प्रोबेबली यू वॉन्ट बिलीव दिस, आपको विश्वास नहीं होगा, जहाँ 6-7 साल पहले 600 फुट पर भी बोर करने के बाद पानी नहीं निकलता था. कल की बात है, जो अटल भूजल योजना ने सरकार ने शुरू की है, अटल भूजल योजना का रिचार्ज शाफ्ट के लिए कल जो बोर किया गया उसमें जिस गांव को 600 फीट तक पानी नहीं मिलता था, 20 फीट तक वहां पर. दिस इज समथिंग विच वी कैन डू एंड दिस इज समथिंग विच इज रेप्लिकेबल. हर गांव से आपको जो 6 लाख विलेजेस है इंडिया के, 6 लाख विलेजेस में से कोई ना कोई एक आदमी तरक्की किया हुआ जरूर मिलेगा जो शहर में बसा होगा. वो शहर का आदमी खाली गांव की तरफ वापस देख ले और थोड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे, मुझे लगता है 6.5 लाख विलेजेस का भविष्य बदल सकता है. सिर्फ जरूरत है. Again, very quickly, so their approach is to, you know, adopt each institution, each person adopt a village. And what they did, they worked on rejuvenation of the local stream there, which might be a first or a second order stream. And so not only the river rejuvenation led to the flow of water in the river, but it also led to recharge of groundwater. So this is what he has highlighted. Now we go to Shri Ravindra Kumar Mandar, IAS District Magistrate, Rampur. सभी को नमस्कार. सबसे पहले जो जल को लेकर मुझे प्रेरणा मिली, मैं 8th क्लास में पढ़ता था तब पहली बार एक रहीम दास जी का दोहा सुना था, रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब दूर, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चूर. इसका मतलब आई थिंक बहुत सारे लोगों को पता होगा कि रहीम दास जी कहते हैं कि पानी के सबसे महत्वपूर्ण आपके जीवन में होता है. बिना पानी के मनुष्य के अगर पानी यानी इज्जत अगर चली जाए तो मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता. आटे में से अगर आप पानी निकाल दो तो रोटी नहीं बना सकते, और मोती में से अगर समुद्र से अगर उसको हटा दो तो मोती नहीं हो सकता. तो ये कक्षा 8 में पढ़ा हुआ वाक्य, और जो अभी लक्ष्मण सिंह जी बता रहे थे, मैं भी राजस्थान का रहने वाला हूँ, और जल की कमी क्या होती है, जल को संकट क्या होता है, वो हम लोगों ने बहुत पास से देखा है. बचपन में जब गाँव में हम लोग जाते थे तो हमारी माता जी, हमारी चाचा जी, सब चाचियाँ, तो सब लोग कुओं से दूर से पानी 1-1 किलोमीटर से भर के लेके आती थी अपने सिर पे. तो वहीं से प्रेरणा मिली कि जब भी अगर ऐसा कोई मौका मिलेगा तो जल संरक्षण के लिए काम करेंगे. और उत्तर प्रदेश में जाके मैं अभी रामपुर जिले में हूँ जो तराई बेल्ट में आता है. मैं पहले मथुरा में म्युनिसिपल कमिश्नर था, तो वहाँ मुझे लगा कि तराई बेल्ट में अगर पोस्टिंग हुई है एज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट तो पानी की उपलब्धता तो वहाँ अच्छी खासी होगी, क्योंकि वो आप सब लोग जानते हैं जिस कॉर्पोरेट में फुट हिल्स पे है जो हमारा शिवाजी बनाएगा. पर जब वहाँ गए, वहाँ जाके देखा तो 6 ब्लॉक हमारे वहाँ पे रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, इसमें 4 ब्लॉक हमारे डार्क ब्लॉक में थे. डार्क ब्लॉक का मतलब जहाँ पानी का बहुत ज़्यादा कमी थी, जल संकट था. तो उस पर ये विचार आया कि जल संरक्षण को लेके हम लोग एक सामान्य रूटीन प्रशासनिक प्रोसेस में काम नहीं कर सकते, उससे आगे बढ़ के उसको जन आंदोलन बनाना होगा हम लोगों को. तो उसमें कम्युनिटीज को साथ में लेके हमने प्लान किया. और जो आपने पिछले साल सुना होगा कि अमृत सरोवर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक कॉन्सेप्ट दिया था पूरे देश में बनने लगे, वो रामपुर से ही शुरू हुआ था. मन की बात कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने रामपुर जिले का जिक्र किया था, यहाँ अमृत सरोवर देश का पहला अमृत सरोवर वहाँ पे बना. उसके बाद में वहाँ से हम लोगों को प्रेरणा मिली. और जो रूटीन में पहले 300-350 तालाबों पर हम लोग जल संरक्षण में मनरेगा में काम करते थे, तो उस बाढ़ को हटा के पीछे से प्रेरणा ना लेके, मतलब उससे भी लेनी चाहिए, लेकिन वहां तक अपने आप को सीमित ना रखे, आगे के लिए हम ऐसी लाइन बनाए कि मेरे बाद या जो भी लोग आएंगे तो उनको शुरुआत एक हायर लेवल से करनी पड़े. तो पिछले 2 सालों में हमने 2200 तालाबों पे रामपुर में काम किया है, 5 नदियों पे काम किया. सामाजिक क्षेत्र के लोगों की महत्ता बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जल संरक्षण में, और हर सेक्टर में मानता हूँ.
तो हमने आर्ट ऑफ लिविंग जैसे प्रतिष्ठित एनजीओ को अपने साथ जोड़ा और दो कॉन्सेप्ट हम लोग, एक रिचार्ज साफ्ट होता है जो तालाबों में दो बोरिंग लगा के पानी के रिसने की दर को तेजी से बढ़ा दिया जाता है, और एक सब सर्फेस टाइप का कॉन्सेप्ट होता है जो कर्नाटका मॉडल है, वहाँ पे जल सर्फिंग की चलता है, उसको भी उत्तर भारत में पहली बार हम लोगों ने रामपुर में लागू किया। इसके अतिरिक्त 22,000 सोप पिट करवाए, तो वैसे मैसिव एक कैंपेन चलाया और बहुत छोटे छोटे जो लीडर्स थे, जो सामाजिक लीडर्स थे अलग अलग गाँव में काम कर रहे थे, उन सबको अपने साथ जोड़ लिया और रामपुर में एक जन आंदोलन का वातावरण बना। तो आज की डेट में 2 सालों में बहुत थोड़ा कठिन होता है अचीव करना, फिर भी 2 सालों में रामपुर के लोगों ने कोई, आज की डेट में कोई डार्क ब्लॉक वहाँ पर नहीं है, सारे ब्लॉक हमारे नॉर्मल वाटर कैटेगरी में आ गए हैं और उसका लाभ वहाँ के लोगों को मिलेगा, इंडस्ट्रीज को मिलेगा, बोरिंग के पहले प्रतिबंध थे वो सारे खुल गए, वृक्षारोपण को भी हमने साथ में इसमें जोड़ा, 52,00,000 पेड़ हम लोगों ने रामपुर में लगाए हैं। और एक गांव का, आई थिंक अमेज़ी आए थे हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने एक गांव है सिंगन खेड़ा, मॉडल विलेज के रूप में हमने क्रिएट किया है, जहाँ पे बहुत अच्छी वाटर बॉडी, वहाँ पे पाथवे, वहाँ पे पिकनिक स्पॉट्स, महिला समूहों के माध्यम से वहाँ पे उनको शेड दिए, ताकि जितने शहर के लोग या बाहर के लोग हमारे क्षेत्र में आए, आके देखें कि जल संरक्षण का एक मॉडल हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। So, he emphasized on the how they have utilized the traditional practices and the modern technologies to arrest groundwater depletion in a particular area, and what are the let's say positive impacts of those interventions. So very interesting, and maybe you can catch up with him after the session. We now move to Shri Gajendra Singh ji, who is CEO Jilla Panchayat Singrauli. सभी को नमस्कार, मैं गजेंद्र हूँ, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। 2001 बैच का मैं राज्य प्रशासकीय सेवा का अधिकारी हूँ, विभिन्न जिलों में लगभग प्रशासकीय सेवा में 22 साल का तजुर्बा मेरा है। पानी के संबंध में मेरी कोई ऐसी विशेष कोई शुरुआत हुई नहीं, लेकिन मैं जहाँ छिंदवाड़ा की बात कर रहा हूँ, देवगढ़ का जो एपिसोड आप लोगों के सामने रखूँगा, देवगढ़ बाबड़ी समूहों की मैं बात आप लोगों के सामने करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर इंस्पिरेशन जो आप लोगों से मिल रही है निश्चित रूप से वो बहुत ही अलग किस्म की है, मुझे निश्चित रूप से इसमें सीखना ही है इस डोमेन में। देवगढ़ एक ट्राइबल एरिया है, सतपुड़ा के बीच का जंगल है, और निश्चित रूप से बनकरण का बहुत सारा कुछ हिस्सा जो है वो सभ्य समाज के सामने सीधे सीधे आ नहीं पाया, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ों का ऐसा ज्ञात इतिहास नहीं है, लेकिन वहाँ भी राजवंश रहे हैं और जल संरक्षण के संबंध में या जल के प्रबंधन के संबंध में भी बहुत गहरी धारणाएं रही हैं, जो हमें मतलब वास्तव में उनकी वैज्ञानिकता कहने या उनके प्रामाणिकता कहने उसके बारे में हम लोग बहुत गहराई से अध्ययन कर सकते हैं। देवगढ़ एक पहाड़ी अंचल है, संयोग से जब ऐसी प्रशासकीय कार्य के दौरान एक स्थानीय व्यक्ति ने मुझे कहा कि साहब ऐसी बात निकली, तो उसने कहा कि साहब हमारे गाँव में तो बहुत सारी बावड़ियाँ हैं, कुछ बात और पड़ी, मैंने बोला कि कितनी बावड़ियाँ, बोले साहब सैकड़ों, तो मुझे लगा ये कुछ बढ़ा के बात कर रहा है, क्योंकि अगर कुएं हो सकता है कि शायद किसी एक गांव में 30-40-50-60 हो सकते हैं, लेकिन बावड़ियाँ क्या सैकड़ों की संख्या में, तो मैंने उसको मना किया कि ऐसा नहीं होगा। उसने बोला साहब आप आज आके देखिए गाँव में, मैंने देवगढ़ में जब मैं गया तो वहाँ पे बावड़ियाँ दरअसल दो एक थी जो काफी पुरातन थी, लगभग 400-500 साल पुरानी थी, और मैंने प्रश्न किया तो बोले साहब नहीं सब खराब हो गए, खत्म हो गए, अब वैसी कोई बावड़ियां नहीं बची। मैं बोला नहीं बावड़ियां तो हैं, जंगली क्षेत्र था, पहाड़ी क्षेत्र था, जब हमने देखना शुरू किया पहाड़ों में, किसानों के खेतों में, पहाड़ों से लगे हुए हिस्सों में, तराई के हिस्सों में रेतीनुमा कुछ संरचनाएं बची थी जिसमें बड़े बड़े पेड़ उगाए थे, कुछ इस तरीके की चीजें थी, और वहाँ के स्थानीय लोग जो कभी 60-70 साल या 80 साल के भी लोग थे, मैंने पूछा कि दादा इसमें क्या हुआ, कभी पानी आप लोगों ने पिया, उन्होंने बोला कि अब पानी हमने तो नहीं पिया अपने जीवन। चूंकि मैं सीओ जिला पंचायत छिंदवाड़ा में था उस वक्त, मनरेगा एक बड़ा प्रोमिनेंट हमारा आरडी का एक बड़ा कंपोनेंट होता है, उसमें प्राचीन जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार एक कंपोनेंट होता है। मैंने धीरे धीरे बावड़ियों पे कुछ रिसर्च करना शुरू किया कि वो कहाँ से हैं, कैसे हैं, यहाँ पे देवगढ़ में है तो कैसे हम उनको रेस्टोर कैसे कर पाएंगे, फिर मैंने प्रॉपर उनको एस्टिमेट करके हमने जीर्णोद्धार के लिए तैयारी की। शुरुआती दौर में हमने 14 बावड़ियां लिए, फिर बढ़ाई, इस बीच हम लोगों ने सर्च करना शुरू किया, लगभग 98 के आसपास बावड़ियां मैंने हमने अपनी टीम के साथ रिकॉग्नाइज किया। 53 बावड़ी मैंने अपने टेन्योर में, लगभग 2.5 साल के टेन्योर में हम लोगों ने रेस्टोर करी। ये बावड़ियां वो थी जो लोगों के खेत में थी, बावड़ियां थी जो फॉरेस्ट एरिया में थी। उसकी पिक्युलैरिटी ये थी कि कभी कभी बावड़ियां
20-20 मीटर 50-50 मीटर के भी दायरे में थे। तो मैं जल के संबंध में जानने वाले इस बृहदतर समाज से भी ये आग्रह करूंगा कि देवगढ़ एक बार आप विजिट करिए, इसलिए कि जल एक ऐसी जगह है जहां पर जल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में रही। हम गुजरात या कि राजस्थान नहीं थे जहां पे कि जल की स्कार्सिटी की कभी नहीं होगी, लेकिन ऐसा क्या रहा होगा कि उसको बनाने वालों के दिमाग में रहा होगा कि नहीं हमें इसके बारे में मैनेज करना है, इसके बारे में हमें कुछ गंभीर चिंतन करना है। ये बावड़िया एक देव नदी है, देवगढ़ में देव नदी है, उसके साथ चलते हैं। बावड़ियों पे जब हमने काम शुरू किया फ्रॉम द ट्रेंच शुरू किया तो सीखना ही था हमें। बावड़ी में हमने सीमेंट से काम नहीं किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि हम अपने हेरिटेज को डैमेज भी ना करें, तो हमने चूने सुर्खी का इस्तेमाल किया, गांव वालों से ही पूछ के किया। और बावड़ियों पे काम करते करते हुआ ये कि नदी का ही पुनर्जीवन हो गया। अगर आज की तारीख में आप देखेंगे देव नदी 3 साल बाद उसमें पानी है, आज भी अगर जब हम बात कर रहे हैं मार्च और अप्रैल में हम बात कर रहे हैं, उस देव नदी में पानी है और वो कहीं तो भी सदा नीरा है। लेकिन ये सब काम हो सका देवगढ़, उसके आसपास के लोग और वहाँ के स्थानीय लोग के अनुभव से संभव हो सका। आज जब हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, हम भूजल का लगभग 80% अपने देश का कहना है या विश्व का हम लोग खत्म कर चुके हैं। हमें सोचना पड़ेगा कि सतही जल या कि सब सॉइल वाटर को, मिट्टी में जो हमें पानी उपलब्ध होता है, उसका हम लोग कैसे उपयोग बढ़ाएं। ये कहीं ना कहीं वर्तमान चुनौती जो हमारी वाटर स्कैसिटी के साथ है उसका एक बहुत सॉलिड विकल्प हमारा हो सकेगा। अन्यथा अगर हम केवल जो है अंतस्थ जल की बात करेंगे जिसमें हमारा नैतिक हक नहीं भी है, उससे बहुत बात बनने वाली नहीं है। धन्यवाद। Thank you. So basically, we emphasized on how they have worked on the spring shed management and ensured that the spring-based water supply systems are rejuvenated. And not only it helped the groundwater, but it also helped having flows in the nearby streams. Maybe again, first order or a second order streams that they saw that the water was flowing. Now I invite Ms. Aruna M. Vishweshwar. She is principal at the Apna School, Mumbai. अर्चना वर्मा जी आ गई है, NWM की मिशन डायरेक्टर, मैं उनका स्वागत करता हूँ। थैंक्स मैम। हम लोग थोड़ा सा डिले कर रहे हैं क्योंकि इनको सुनने में बड़ा मन करता है जो लोग बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा देरी से चल रहे हैं, लेकिन मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम समय पर चले। ये तो पहले इन्होंने कह दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे खड़ी हूँ जल प्रहरी ही नहीं, नारी प्रहरी भी बनके। I am really happy to be the only woman having been asked to speak at this forum. Thank you very much. I represent Adhyapana School in Madurai, Tamil Nadu, and I am the director and the owner of the school, which was started in 2009. Going forward, what was a barren land, जब हमने ये जगह खरीदी थी वहां पे कुछ भी नहीं था आज जैसे आप देख रहे हो, और अब जो है स्थिति राइट साइड में जो है वो हम लोगों ने सारा वेस्ट वाटर रिजुवेनेट करके किया हुआ है। इट्स द वेस्ट वाटर रिसाइकल ऑफ nearly 3,000 students. Every day we are recycling 40,000 liters of water. And we do, of course, rainwater harvesting. We have the sensors in every tank. Our children are very, very focused on conservation of water. You can just move the PPT, please, because I don't have the time. What we do is everything organic, everything recycled non-chemically. There are no chemicals used, and it's as good as drinking water. Please go forward. So we have a drip irrigation system. पूरा जो है हमारा 800 फीट तक पाइप्स जाती हैं और सारा रिसाइकल हो रहा है। ग्रीन स्कूल, एनवायरमेंट फ्रेंडली स्कूल, हमने तो ऑफकोर्स दिल्ली में बहुत से अवार्ड्स जीत लिए हैं, बट आई कंसिडर दिस एज समथिंग रियली रियली वैल्यूएबल। I'm very proud to be the recipient. Now this I would like you to please hold. हमने एक किताब निकाली है which was actually the brainchild of our children who were crossing the Vaigai River. हमारे यहाँ जो नदी बहती है Vaigai River नाम, तो एक दिन बच्चों ने आके हमसे कहा कि मैम इतनी सारी pollution है और ये सब हमने किया है।
तो बहुत हमें शर्म आ रही है, ये हमारे बच्चों का कहना था। तो तब हमने कर सकते हैं। कहा जाता है, जस्ट एंड विद वन संस्कृत श्लोक, कहा जाता है, चिंतनीया हि विपदाम आदव एव प्रतिक्रिया न कूप खननम युक्तम प्रदीते वन्हिना गृहे। कुछ भी अगर समस्या हो तो उसके बारे में हमें पहले सोचना चाहिए कि क्या करना चाहिए। अगर हम अच्छी तरह सोच पाए तो उस सब समस्याओं का हल हम निकाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर। Our country, Jai. Thank you so much. And I must be the most hated person here. Next, I invite Mr. Manubhai Chaudhary, who is CEO, Vivekananda Research and Training Institute, Bhavnagar, Gujarat. 3 minutes. Namaskar. Main Gujarat, Bhavnagar se aa raha hu. हमारा ऑर्गेनाइजेशन विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 1974 से कच्छ और सौराष्ट्र में काम कर रहा है। हमने जब स्टार्ट किया तभी हमारा एरिया जो कच्छ और सौराष्ट्र दोनों 5 साल में दो तीन साल सूखा रहता था, दुष्काल रहता था और माइग्रेशन ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा था। तभी हमने हमारा विवेकानंद रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट क्या काम शुरू किया। आज भावनगर और अमरेली में हमने टोटल 1000 से ज़्यादा चैप्टर बनाए हैं। बहुत सारे रिवर ब्रिजिंग ऊपर काम किया है। सिर्फ वाटर रिसोर्स में हमने रिचार्ज का काम तो किया है, साथ में वाटर मैनेजमेंट और जो कोस्टल एरिया है, एक कोस्टल एरिया में भी जो सी वाटर आगे बढ़ रहा था उसके रोकने का भी काम किया है। दूसरा, जहाँ पर पीने का पानी 200 से ज़्यादा गांवों में, भावनगर में हमने वासमों के साथ रहकर घर घर नल के ऊपर हमने काम किया है और हर एक घर को नल देने का काम और लोकल जो सोर्स है उसको सस्टेन करने का काम हमने वहां पर भावनगर और जो अमरेली 3-4 तालुकों डिस्ट्रिक्ट है उसमें हमने काम किया है। तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन जो काम कर रहा है उसमें देखा जाए तो हमने जो कोस्टल एरिया में जो पीने लायक पानी नहीं था वहाँ हर एक घर में कॉर्पोरेट के साथ लेकर हमने हर एक घर में रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बना के उसके पीने का पानी का जो है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम किया है। मेरे को पता है कि 1995 में हम जो गांव में काम स्टार्ट किया वो गांव में जो है फरवरी से लेकर जून तक हर गांव में पीने का पानी है वो टैंकर से आ रहा था। वो गांव में हम क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से पूरा जो है एक क्लस्टर बेस्ड अप्रोच से टॉप टू बॉटम के साथ हमने जो काम किया और हर एक गांव में आज पीने का पानी का जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया है। और दूसरा, जो हमने जो काम किया इसी वजह से वाटर टेबल ऊपर आया है और वाटर में टीडीएस में देखा जाए कोस्टल एरिया में जो इरिगेशन का पानी का जो इश्यू था तो उसमें हमने वहां पर जो काम किया सीरीज ऑफ चेक डैम बना के एक गांव में तो करीबन 35-40 किलोमीटर का जो एरिया है उसमें करीबन 2000 हेक्टर से ज्यादा एरिया में हमने इरिगेशन का जो पानी हर एक खेत को मिले इसके लिए हमने काम किया है। तो हम जो है अभी वहां पर दूसरा पानी के लिए ड्रिप पर भी हमने बहुत सारा काम किया है। दूसरा जो है ये स्प्रिंकलर पर भी काम किया है।
साथ में हम हर एक अभी जो है लेजर इरिगेशन पे भी काम करके लोगों को वाटर सेविंग के बारे में जागरूक करने का काम किया है। और दूसरा कि हमने एक एक गांव ऐसा है कि जो कोस्टल एरिया में बंधारा बनाया हुआ पड़ा था उसमें हमने लिफ्ट इरिगेशन का स्कीम करके जो गांव में पानी नहीं था वो गांव को चार भाग में डिवाइड करके पूरा गांव का डबल इनकम करने का काम हम बीआरटीए संस्था ने किया है। ऐसा बहुत सारा काम बीआरटीए संस्था ने कोस्टल एरिया में और चारों डिस्ट्रिक्ट में किया है। जय हिंद जय भारत। Yes, I mean, their laser interventions are in Saurashtra, I mean, specifically Bhavnagar, the district which is affected by the seawater ingress. And what they have done is they have created a number of check dams to ensure that the fresh water is not flowing to the sea. And then they are using the water, of course, that water is recharging groundwater there and it is being used for irrigation and also for drinking water purposes. So, thank you so much. We now move to the last speaker, but of course the powerful speaker, Colonel Shashikant Dalvi. He's the director of Paranjaya Rainwater Harvesting Consultancy. Sir, please. Namaskar, dosto. 2002 में 33 साल की फौज में नौकरी करने के बाद I retired. पुनः स्थित विमान नगर सबरूम में रहने लगा। पहली चीज मैंने वहां नोटिस की, उन्होंने मुझे एक्चुअली चेयरमैन बना दिया सोसाइटी का। तो टैंकर वाटर रोज के तीन टैंकर वाटर आते, हमारी जो बोरवेल थी उधर 225 फीट पे लेवल गई थी, रिजल्ट ये था कि रोज तीन टैंकर आते। तो मैंने कहा ये तो चलेगा नहीं, इतना पैसा हाथ पा मिडिल क्लास सोसाइटी, तो क्या किया जाए ये सोचने लगा। तो मैंने देखा कि अपना 12,000 स्क्वायर फीट का रूफटॉप एरिया है, पुणे में अच्छी खासी 770 मिलीमीटर की बारिश रेनफॉल होता है। तो मैंने कहा कि हिसाब लगाया थोड़ा सा, तो देखा कि 9 लाख लीटर पानी बारिश का हर साल हमारे रूफटॉप पे गिरता है, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल किया जाए। तो पता किया, तो तब तक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स के ऊपर महाराष्ट्र में कहीं रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जिक्र नहीं हुआ था। तो मैंने फिर जो फौज के दौरान राजस्थान वगैरह में जो कुछ देखा था थोड़ा स्क्रैच करना पड़ा, पता लगा कि हम कुछ कर सकते हैं। तो मैंने अपने कमेटी और बाकी मेंबर्स को साथ में लेकर के राज्य का पहला रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग और मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स के ऊपर किया 2003 में। रिजल्ट ये हो गया कि उस समय से हमारी सोसाइटी टैंकर थी। मैंने कहा अगर ये और आज बाय द वे कि हमारी 225 से अभी इतनी ऊपर चढ़ चुकी है, वाटर टेबल ऊपर आ गया है 60 फीट पे आ गया है, तो मैंने कहा अगर ये हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। सो आई टुक दिस टू ऑलमोस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ पुणे, मेरे सब पीएमसी बिल्डिंग्स हो, पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, 7 राज्यों में काम किया अर्बन एरिया में मोस्टली। 2014 में मुझे एमपी में ईश्वरपुर में थोड़ा सा गाँव तहसील बनखेड़ा, तो वहाँ पे मुझे बुलाया गया, मेरे कोई जान पहचान के लोग थे उधर, तो बोले कि सर बड़ी समस्या गंभीर है हमारे यहाँ भी, तो कुछ कर सकते तो देखो। तो उनको मैंने वहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत अच्छा रहा, और वहाँ पर भी जो मैंने किया था, हमने क्या किया था, हमारे रूफ टॉप का जो पानी है जो बर्बाद हो रहा था उसको हमने पाइप और फिल्टर के थ्रू डायरेक्टली बोरवेल में हमने इंजेक्ट किया। तो ये फिल्टर भी हमने डिजाइन किया था, उन दिनों में मिलता नहीं था, आजकल तो ऑफ द शेल्फ मिलता है। तो मैंने कहा ये हम इस एरिया में भी इस्तेमाल करते हैं एंड बहुत अच्छा रिजल्ट रहा। उन दिनों में जब वापस जब आया, ये 2014-15 की बात है, तो मेरे घर में जो एक लड़की काम करती है उसने बोला बाबा आप सभी तो लोगों को पानी पिलाते हो, हमें कोई पानी नहीं देता, हमारे यहाँ तो हमारे गांव में बड़ा मुश्किल है। तो वो गांव है मराठवाड़ा में बीड डिस्ट्रिक्ट में कामखेड़ा करके। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं कैसे ग्रामीण विभाग में गया, बड़ी बहुत भयंकर समस्या है वहाँ पे, टैंकर लगते थे 6 महीने के लिए। तो मैंने कहा ये जाके देख लिया, और हमने और मेरे साथीदार ने वहाँ पर हमने पहला प्रयोग किया मराठवाड़ा में। 2018 से वो गांव टैंकर फ्री है, और अभी
उसी चीज को लेते हुए हमने विंड डिस्ट्रिक्ट में 100 गांव 7 महीने में अभी 20 जनवरी को और लास्ट वीक में उसी का पब्लिक डेडिकेट किया वो गांव वालों ने। अभी ये है कि 26 कोटी लीटर करोड़ लीटर पानी ये 100 गांव से भूजल में छोड़ा गया है, गांव के यानी हर एक जो भी बोरवेल है ओपन वेल में छोड़ा गया है, वही के लोगों का वही के स्किल लेबर का इस्तेमाल करते हुए, सो दैट कि वो बाद में उन लोगों को ही जो काम कर मेंटेनेंस करना या नए बिल्डिंग्स के ऊपर काम करना है और किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने पास रेन वाटर पोटेंशियल को समझो, जिस गांव में जहां पर भी रहते हो इतना पानी मिलता है कि अपने छत के ऊपर ही अगर उसका इस्तेमाल करोगे तो मुझे बिल्कुल आशा है कि हम लोग पानी की समस्या से, क्योंकि मैंने हमारे पास गांव है किए हुए हैं, तो बस यहां से मैं रुक जाता हूँ कटाई के लिए। He emphasized on how they have undertaken what rainwater harvesting in urban area as well as rural area, and in fact they were the first to set up this urban rainwater harvest system in the entire state of Maharashtra, and this is what we came to know. With this finish this particular discussion, and apologies if I have hurt any one of you or not allowed you to speak. I was given initially 1 hour 20 minutes for the session, and I'm happy that we could conclude in 1 hour because anyways we are running late. So thank you so much, and hopefully the participants here would also like to interact with you. Thank you so much.